वंदे वंदे। अभी ये जो चुनाव होने जा रहा है इसका रिजल्ट 10 मार्च को आएगा। अगर मैं बोलूं आज आ चुका है तो मानोगे आप? प्लीज थोड़ा साइड में आप, थोड़ी कनेक्टिविटी होने दो आप प्लीज। मैं कहूं आज आ चुका है, उसका आधार ये है कि आज रामपुर की गलियों में भारत माता की जय के जयकारे गूंज रहे हैं। और आज से पहले पूरे हिंदुस्तान की नजर इस चुनाव के ऊपर है। आप इसको कोई साधारण चुनाव मत मानना, सिर्फ रामपुर के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं आपको। ये चुनाव आप कोई साधारण चुनाव मत मानना। मैं केवल 10 मिनट लूंगा। मैंने बहुत मना किया भाई साहब को, मोदी सब लोग एक घंटा से सवा घंटा से यहां बैठे हैं, कोई सुनने के मन में नहीं रहेगा। हमें बहुत एक अच्छे इंसान शिव बहादुर जी सक्सेना, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरी माँ कहा करती थी कि जिसमें काम में बड़ों का आशीर्वाद हो वो काम सफल होता है। तो मैं पीछे भी इनके पास बैठ के गया, बातचीत करके गया, तो मुझे लगा कि इस चुनाव का रिजल्ट बड़ा अद्भुत आने वाला है। और आज मैंने जो इस माहौल को देखा है मुझे लगता है कि वो रिजल्ट आ चुका है कि जिस निडर भाव से आप लोग गलियों में, रामपुर की गलियों में वोट मांग रहे हैं, आज से पहले ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता था। लेकिन हमारे भारत भूषण भाई जो पीछे लगातार काफी समय से मेहनत करते रहे, आज उस मेहनत का पीछे बैठे हैं भारत भूषण जी। एक बार खड़े हो जाए जोरदार तालियों से भारत भूषण जी का, जो मेहनत इन्होंने की और आज दोनों भाई राम और लक्ष्मण बनकर, जैसे आकाश भाई और भारत भाई मिलकर इस युद्ध को जीतने वाले हैं। उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी जो भारत माता को डायन बोलते थे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। आज मोदी जी ने जितना कुछ कहा बजट में हमने सुना, मोदी जी ने जो कुछ इस देश के लिए कहा किया, जितना भी किया हम सब जानते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। आज पूरी दुनिया में अगर सम्मान की दृष्टि से हिंदुस्तान को देखा जाता है तो मोदी जी के कारण देखा जाता है। कल्पना करके देखो, एक हिंदुस्तान वो था 47 से पहले का जब इस देश को आजाद कराने के लिए शहीद आजम, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हजारों लाखों नौजवानों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान दे दी, फांसी के फंदे पर चढ़ गए खुशी से। शहीद आजम भगत सिंह चाहते तो अपनी फांसी को खत्म करवा सकते थे, उनको पोलिटाइज करना था, माफी मांगनी थी और कहते जी मैंने, क्योंकि किसी की डेथ नहीं हुई थी, बार बार प्रेशर डाला गया, लेकिन उसने कहा कि एक भगत सिंह मरेगा तो लाखों भगत सिंह पैदा होंगे जो अंग्रेजों के जड़ से उखाड़ देंगे। ऐसे हिंदुस्तान के लोग थे। हिंदुस्तान कभी भी कमजोर देश नहीं रहा। हिंदुस्तान आज भी अपने आप को सिद्ध करता है पूरी दुनिया में। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी से कम है क्या? पूरी दुनिया में नंबर एक पे माने जाते हैं। मेहनत में हिंदुस्तानी, बाकी लोग 6 घंटे 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते, वीकेंड में 2 दिन 3 दिन के लिए घूमने चले जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी पूरा का पूरा हफ्ता 24 घंटे काम करने का भी सामर्थ्य रखता है। आप ये समझते हैं, त्याग की भावना भी हिंदुस्तान के अंदर कम नहीं रही। जितने ऋषि मुनि त्यागी, यहां तक कि राजा महाराजाओं ने भी अपनी गद्दी को छोड़कर संत जीवन को अपना लिया। कुर्बानी देने भी में हमारे गुरुओं ने तो शीश कटवा लिया, अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए इस हिंदुस्तान 12,000 सैनिक के साथ आए थे। उस समय की रियासतों के अंदर एक एक हमारे जो राजा या नवाब थे, एक एक के पास 12,000 से ज्यादा सैनिक थे। इतना बड़ा हिंदुस्तान था, लेकिन फिर भी कब्जा उनका क्यों हुआ? फिर भी युद्ध क्यों वो जीते? इसलिए जीते कि हम कभी मिलकर नहीं लड़े, हम धर्म में, जातियों में, पंथ में, इसमें हम बटे रहे और हम अपना नुकसान कर बैठे। आज योगी जी और मोदी जी के आने के बाद हम लोगों के अंदर जागृति आई है। हमने सोचा है कि जिस हिंदुस्तान को ये दुनिया के लोग माना करते थे कि भिखमंगों का देश है, कटोरा लेकर घूमते हैं, जिसको माना जाता था कि कमजोर है, भ्रष्टाचारी है, वो परसेप्शन मोदी जी और योगी जी ने बदली है।
आज कोरोना की महामारी की चर्चा करी, अभी आपने मोदी जी को सुना होगा, 100 साल के अंदर इतनी बड़ी महामारी कभी नहीं आई। लेकिन इस महामारी और पिछली जो महामारियां आई, अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे तो 5 मिनट में आपके दूंगा एक छोटा सा उदाहरण है, आपके अंदर वो भाव उत्पन्न होगा आप सोच भी नहीं सकते। हैजा हमारे यहाँ आता था, हजारों लोगों को लेके चला जाता था। प्लेग आता था, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को लेके चला जाता था। पोलियो आता था, हजारों बच्चों को अपाहिज करके चला जाता था। छोटी छोटी बीमारियां भी आई जो महामारी का रूप लेकर हिंदुस्तान में बड़ा नुकसान कर गई। चलो महामारी आई, पूरी दुनिया में आई, लेकिन पूरी दुनिया में जिसका टीका, हैजे का, प्लेग का, पोलियो का जो टीका, चेचक का जो टीका दुनिया में तैयार हो जाता था, हिंदुस्तान में आने में उसको 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल बाद भी उस बीमारी का इलाज हमारे हिंदुस्तान में आया। ये आजादी के बाद की पहली सरकारें थी, 40 साल बाद भी। लेकिन कोरोना जैसी महामारी आई, आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो, कोरोना जैसी बीमारी हमारे पूरी दुनिया में आई और हिंदुस्तान में आई, लेकिन उस बीमारी का इलाज, उस बीमारी का टीका, उस बीमारी की वैक्सीन हमारे मीडिया ने भी संकोच किया होगा दिखाने में, माफी चाहूंगा मीडिया के बंधु बैठे हैं, पूरी दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर तैयार हुई, पूरी दुनिया के अंदर, और एक एक नहीं दो दो कोवैक्सीन भी हुई, कोविशील्ड भी हुई। और जो हमारे हिंदुस्तान के हमारे विपक्ष के नेता थे, जो हमारे विपक्ष के नेता थे, मुझे कई बार उन पे तरस भी आती है कि यार तुम हिंदुस्तान का खा रहे हो, हिंदुस्तान में तुम रह रहे हो, हिंदुस्तान के कारण ही तुम्हारी राजनीति चल रही है, लेकिन कोई भी मौका ऐसा नहीं चूकते कि हिंदुस्तान को नीचा न दिखाना पड़े। तुम जो बयान अखबार के अंदर देते हो वो पूरी दुनिया में जाता है। उन्होंने क्या बोला कि हिंदुस्तान के अंदर जो टीका बना है वो नकली बना है, इसको लगाने से तुम मर जाओगे, नपुंसक हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। आपके अखिलेश बाबू ने ये बात बोली कि नहीं बोली? लेकिन जब सेकंड वेव आई तो अपने बापू ने ठा ठा के फिरे हुए, मेरा पहले ला दो भाई, मेरा टीका पहले ला दो, जिसको नकली बताते थे। और पूरी दुनिया के अंदर जिसको कहा जाता था कि रशिया का स्पुतनिक सबसे बड़ी है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया सेकंड वेव के बाद हिंदुस्तान की कोविशील्ड पूरी दुनिया में नंबर एक हुई, स्पुतनिक भी उसके अंदर फेल हुआ। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और सच्ची बात बताता हूं, मेरी बुआ की पोती यानी मेरी भांजी यूएस में रहती है। अभी वो कुछ दिन पहले जब 100 करोड़ का हमने पूरा कर लिया था टारगेट, आज तो 150 हो गया, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई थी, तो उस दिनों में आई हुई थी, तो मेरे को मिलने आई, मेरे को कहने लगी, मामा ये जो कह रहे हैं कि 100 करोड़ को आपने वैक्सीन लगा दी हिंदुस्तान के अंदर, मोदी जी ने लगा दी, ये सच्ची बात है? कहती मुझे तो विश्वास नहीं होता। मैं कहा क्यों? वो यूएसए से आए थे, यूएसए में तब मेरे घर 25 करोड़ भी नहीं पहुंचे थे लगाने वाले। कहते हमारी इतनी एडवांस मेडिकल फैसिलिटी, इतना पैसा, इतना अमीर देश अमेरिका, वहां 25 करोड़ नहीं पहुंचे और आपने 100 करोड़ लगा दी। और दूसरी बात उसने बोली, कहने लगी ये 100 करोड़ आपने फ्री में लगवा दी, मोदी जी ने ये वैक्सीन फ्री में लगवा दी। उसको हैरानी हो रही थी, हम जिस चीज को हिंदुस्तानी बड़ा नहीं मानते ना, अमेरिका के लोग कितना बड़ा मानते, उनको विश्वास नहीं हो रहा कि 100 करोड़ लोगों को आपने फ्री वैक्सीन लगवा दी। मैं क्या लगवा दी? क्योंकि हम तो ये मानते थे ना, अमेरिका के अंदर अगर बच्चा पैदा हो जाए, पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी पढ़ाई लिखाई इलाज सारा सरकार करती है, फ्री करती है, मानते थे ना, यही चर्चा करते थे अपने परिवारों में। उस अमेरिका के अंदर मेरी भांजी ने बताया कि हमने जो ये एक डोज लगवाई है 3,500 रुपए हिंदुस्तान की जो कीमत है उसके पैसे से वो डोज लगाई है, उस डोज को हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी ने फ्री में लगा दिया, जहां विपक्ष के नेता उसकी आलोचना करते थे। समझने की बात है, कोरोना काल में बड़े बड़ों की अर्थव्यवस्था हिल गई, सारे देशों की हिल गई, दिवालिया तक हो गए, लेकिन मोदी जी का जो सपना था कि मेरे देश का कोई भी नागरिक बिना अन्न के नहीं रहेगा, हर घर तक अन्न पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाया, अगर ये बात की चर्चा, हालांकि आवास योजना की, चुनाव हमारे आने वाली संतानें, हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है कि इस अच्छे माहौल को जो योगी जी ने बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के माहौल को, उस कानून व्यवस्था के माहौल को कायम रखे। आप ये मत सोचना कि सब कुछ ठीक हो गया, सारे भ्रष्ट अधिकारी ठीक हो गए,
अभी तो बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश की गाड़ी जो पटरी से उतरी हुई थी ना, बड़ी मुश्किल से अभी पटरी के ऊपर चढ़ी है। दौड़ना तो अभी इसने शुरू भी नहीं किया, और अगर गलती से दोबारा आपने पटरी से उतार दी ना, तो वो फल फैलाए, वो नाग, वो गुंडे बदमाश, वो सपा के गुंडे इंतजार कर रहे हैं, एक एक को इलाज बांधने के जो भक्के बैठे हैं, एक एक का इलाज बांधे, वो किसी को नहीं देखेंगे। उन्होंने अपने समाज को नहीं छोड़ा। मेरे सामने मैं पिछली बार आया, रामपुर के कितने ही मुस्लिम समाज के लोग थे जिनसे मेरा संपर्क हुआ, मिले, वो इतने पीड़ित थे, इसी रामपुर के जो आजम खां के परिवार से पीड़ित थे, जिसके ऊपर उसने जुलम और जातियां करी, और कितने ही हिंदू परिवार थे जिनके ऊपर जुलम और जातियां करी, और देश के साथ तो द्रोह करा उन्होंने, देश के साथ तो, देश तो कभी उनको माफ करने वाला नहीं। एमएलए एमपी बने रहे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, देश कभी उनको माफ नहीं करने देते। जिस देश का खाते हैं उसी भारत माता को डायन बोलते हैं, उनकी तो उनको सजा मिलेगी ही मिलेगी, उस बात से वो बचने वाले नहीं है। लेकिन हमारा धर्म मत है, ये मौका है हमारे पास, ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला, लोहा गर्म है। 14 तारीख का इलेक्शन है, 14 तारीख को हमारे ही कुछ लोग हैं, मैं माफी मांगता हूं अगर पत्रकार बंधु बैठे तो उसको रिकॉर्ड न करें। 12 की छुट्टी, शनिवार, रविवार और सोमवार की छुट्टी, हमारे बहुत लोग ऐसे हैं कि यार 3 छुट्टियां इकट्ठी भी, चलो बच्चों को लेकर नैनीताल घूमने चले जाओ, जिनको हाँ जिन अरे वो भी, लेकिन सोच की बात करूं भाजी, मैं सोच की बात कर रहा हूं, हम मार खाते इसी वजह से हैं। हम अपने आप को बड़ा सभ्य समाज का व्यक्ति मानते हैं, हम बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं, हमारे पास पैसा बहुत है, हमने क्या लड़ा, एक वोट से हमारा क्या फर्क पड़ता है। हम ऐसी सोच है, गरीब आदमी, मजदूरी करने वाला, रेडी वाला आदमी सुबह लाइन में खड़ा होता है, सबसे पहले जाकर अपना रोजगार, दिन का जिसके ऊपर उसके रात का चूल्हा जलता है, उस चूल्हे की भी परवाह नहीं करता, गरीब आदमी जाकर सबसे पहले लाइन में लगता है, वोट डालने के बाद फिर रेडी लगाने की कोशिश करता है, उससे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। और हम जो बहुत ज्यादा, अगर हम जितने मर्जी मंजिल कोठी बना लो, 4 मंजिल बना लो, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा लो, बिल्डिंग लगा लो, अगर यही गुंडों का राज रहा जो तमचा लगा के आपसे फिरौतियां मांगते हैं, ऐसा पैसा कमाने का भी क्या, गरीब के बच्चे के इलाज के लिए आयुष्मान योजना, सारी चीजों को छोड़ दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें फ्री अनाज भी नहीं चाहिए, मकान भी नहीं चाहिए, कोई योजना नहीं चाहिए, लेकिन जो सुरक्षा का भाव आज हमारी बहने जिस निडर भाव से गलियों में, मोहल्ले में, बाजार में, स्कूल में हमारी बेटियां जाती हैं, क्या वो किसी एक समाज की है, क्या वो किसी एक धर्म की है, क्या केवल एक ही पंथ की है, सारी बेटियां निडर भाव से अगर उत्तर प्रदेश की गलियों में, बाजारों में, स्कूल में जाती है, तो वो निडर भाव देने वाला हमारा संत ये योगी है, जिसने ये निडर भाव दिया, क्या उसने भेदभाव किया, क्या उसने पक्षपात किया। और इनसे पहले के जिन्होंने सरकारें चलाई, उनके पास भेदभाव एक परिवार की और बाबू बेटा की पार्टी के अलावा क्या था, उनके पास अपने ही परिवार को बढ़ाना, चंद लोगों को, चंद गुंडों को बढ़ावा देना, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, क्या ये एक छोटी सी छोटी बात है। मैंने अपनी आंखों से, यहाँ पर सब प्रमुख प्रबुद्ध लोग बैठे हैं जो प्रभावी मतदाता है यहाँ पर बैठे हैं, मैंने अपनी आंखों से, इन्हीं आंखों में, मैं 4 महीने से पूरे वेस्टर्न यूपी में हूं, मैंने अपनी आंखों से नहर के किनारे लगभग सवेरे 5:15 बजे जब मैं ऑन द वे था, अपनी बेटियों को नहर के किनारे, जबकि हल्का हल्का अंधेरा था उस समय में, 3 महीने पहले, आप देखिए जो एथलीट बच्चियां थी, जो स्पोर्ट्स पर्सन थी, नहर के किनारे खुद अपनी इन आंखों से दौड़ लगाते हुए देखा है। अगर योगी जी ना होते क्या यह संभव था क्या। तो आप सब लोग इस भाव को अपने अंदर करते हुए, केवल जो योजना प्रकाश सक्सेना जी ने बताई, या जो मंच पे खड़े हैं, या जो चुनाव प्रबंधन करने वाले हैं, वो करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं था, इसलिए मैं नीचे आ गया। अगर ये सोचे कि जो ये बोल रहे हैं कि इस तरह का चुनाव का प्रबंधन हम करें, ये केवल और केवल जब तक आप सब मेरे सामने बैठे हुए इस चुनाव को अपना चुनाव नहीं बना लोगे, तो ये रिजल्ट नहीं आने वाला। इस चुनाव को आपको ऑन करना पड़ेगा। कोई भी प्रभावी मतदाता का अर्थ क्या है, प्रभावी मतदाता का अर्थ ये नहीं कि चुनाव वाले दिन अपना वोट डाला और वोट डालकर अपने घर वापिस आ गए। प्रभावी मतदाता का मतलब यह है कि आपके प्रभाव के अंदर जितने भी लोग आपकी बात सुनने वाले हैं, आपकी बात मानने वाले हैं, उनके पास जाकर उनको बताओ कि ये चुनाव
केवल आकाश सक्सेना का नहीं है, यह चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ऐसा पैसा कमाने का क्या फायदा, बहुत मुश्किल से यह अवसर आया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये चुनाव जिस तरह काल जी ने बनाया, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि ये चुनाव वोटर लिस्ट पर होने वाला है, एक एक वोट, क्योंकि सपा के पास कोई एक बताए ना उन्होंने ये काम किया और उसके आधार पर वोट मांगे, वो केवल एक ही आधार पर वोट मांगते हैं और विशेष रूप से एक ही पंथ से मांगते हैं। अरे भाई योगी आ गया तो तुम्हारा कुछ डरा कर वोट लेते हैं, सामने वालों को डरा कर वोट लेते हैं। या मेरे कुछ मुस्लिम समाज के बंधु मेरे सामने बैठे हैं, केवल कुछ और कोई मुद्दा बताओ ना तुम्हारे को वोट किस लिए, उनके पास ना सपा के पास ना बसपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज भी इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोट काटा जाए, इसमें फर्क डाला जाए समाजों के नाम पर, जातियों के नाम पर, और एकमुश्त डरा हुआ वोट भाई योगी के आने से जो डरता है उसको और डराया जाए, डराकर वो वोट लेकर और बाकी समाजों में विभक्त करके, ये उनकी साइंस है, ये उनकी राजनीति है। उनके पास इतने बड़े कार्यकर्ता है क्या, उनके पास इतने बड़े देशभक्त है? भारतीय जनता पार्टी का मैं एक बात कहता हूं कि बुरे से बुरा भी एमएलए होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आएगी वो एमएलए किसको चुनेगा, योगी जी को चुनेगा ना, और योगी जी से ज्यादा इस उत्तर प्रदेश का भला किसी और ने किया है? और अगर भला करने वाले को भी अगर हमने दोबारा मौका ना दिया तो आने वाली कोई भी राजनेता अच्छे काम करने का विश्वास नहीं करेगा, वो केवल माफिया को प्रमोट करेगा, गुंडों को प्रमोट करेगा और दोबारा से राज में आने की कोशिश करेगा। मैंने आपने मेरा समय भी, मैं समझता हूं कि मेरे सदुपयोग करा समय का, आपने मेरी बात को भी सुना, आप लगातार 2 घंटे से यहां पर बैठे हैं, आपका दिन की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और यहां पर विजयलाल जी जो प्रभारी हैं विधानसभा के, राजीव जी हैं संयोजक हैं, दिनेश गुप्ता जी, कमल जी, कुंवर जी, विवेक जी सभी मंडल अध्यक्ष हैं, प्रभात अग्रवाल जी हैं जो जो प्रभावी वोटर हैं उनका काम देख रहे हैं, सतीश गुप्ता जी हैं, रवि जी हैं, मार भूषण जी का जिक्र आ ही गया था, पारुल अग्रवाल जी हैं, रविंदर जी, रवि जी हमारे बीच में बैठे हैं, भाई फरहत खां जी बैठे हैं, मैं सभी प्रमुख लोगों का, आप सब लोगों का, आप यहाँ पर बड़ी देर से बैठे हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। अगर मैंने भावना के अंदर मैं ऐसे सैकड़ों काम है, मोदी जी ने जिस तरह से पाकिस्तान का घर में घुस के इलाज किया, जिस तरह कश्मीर में धारा 370 हटाई, आज हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पर लेके, ऐसे सैकड़ों काम मैं गिना सकता हूँ, रोड कनेक्टिविटी के गिना सकता हूँ, बिजली के गिना सकता हूँ, लेकिन वो सब चीजें आपको पता है, सिर्फ बात है अपने अंदर भाव पैदा करने की। केवल आकाश सक्सेना, शिव बहादुर जी या भारत भूषण जी या भजनलाल जी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव का रिजल्ट जो आप चाहते हो वो नहीं आएगा। जिस दिन आप अपने आप को योगी मानकर, देशभक्त मानकर, भारत माता की जय करने वाले के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे, तो 100% आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।